चारों तरफ लोगों का घेरा। घेरे में से एक शख्स बंदूक लेकर आगे आता है। बंदूक की नली आसमान की तरफ करता है। और दाग देता है हवा में गोली। अब दूसरा शख्स भीड़ में से निकलता है। वो भी बंदूक लहराता है और हवा में दाग देता है फायर। ये सिलसिला रुकता नहीं, चलता रहता है। तभी एक महिला आगे बढ़ती है। वो भी बंदूक संभालती है और हवा में चला देती है गोली। कौन है ये लोग? क्यों ये लोग कर रहे हैं फायरिंग? कहां पर हो रही है फायरिंग? ये जगह है दिल्ली से सटा जिला गाजियाबाद और गोलियां चल रही हैं एक मंदिर में। आप भी देखिए कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए हो रही है मंदिर में धाएं धाएं। कभी शादी समारोह में फायरिंग, कभी नेताजी के जुलूस में फायरिंग और अब मंदिर में पूजा हुई तब भी फायरिंग। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक मंदिर परिसर के अंदर खुलकर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। खुलेआम हथियार लहराकर दर्जनों लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। सवाल अब यह है, परंपरा के नाम पर कानून और जान से खिलवाड़ का हक किसने दिया? खुलेआम फायरिंग, हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग, हवा में खुलेआम हथियार लहराते लोग, ना कानून का खौफ ना किसी हादसे का डर, आखिर ये लोग इस तरह हवा में फायरिंग क्यों कर रहे हैं? कौन है ये लोग जिन्हें कानून का जरा भी खौफ नहीं है? ये जगह है गाजियाबाद, दिन है दशहरे का और मौका है मंदिर में शस्त्र पूजन का। गाजियाबाद के मसूरी थाने में लगने वाले डासना देवी मंदिर में बेरोक टोक जमकर फायरिंग की गई। दशहरे के दिन देवी मंदिर में खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन किया गया। दर्जनों लोगों ने मंदिर के परिसर में हवाई फायरिंग की। फायरिंग में महंत और उनके शिष्य भी शामिल थे। मंदिर परिसर में हथियारों से लैस लोगों की भीड़ थी। भीड़ में से एक एक व्यक्ति ने हवाई फायरिंग की। मंदिर में फायरिंग करने वालों में महिला भी शामिल थी। महिला ने भी गन संभाली और हवा में फायरिंग की। महिला ने एक बार नहीं, दो दफे फायरिंग की। करीब 25 से ज्यादा लोगों ने मंदिर परिसर के अंदर हवाई फायरिंग की। गनीमत रही कि फायरिंग के दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। मंदिर के महंत
नरसिंह नंद का कहना है कि मंदिर में फायरिंग करने में कुछ भी गलत नहीं है। उनका दावा है कि ये हर साल होता है। हमारे यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है, ये माँ जो है कम से कम आसपास के 100 गांवों की कुलदेवी है, तो यह बहुत पुरानी परंपरा है। लोग दशहरे के दिन यहीं आके शस्त्रों का पूजन करते हैं और एक दो गोली सभी लोग चलाते हैं। ये तो आदिकालीन हमारी धार्मिक परंपरा है, उसमें उचित और अनुचित की तो बात ही नहीं है। जो धर्म में है वो सही है हमारे लिए। तो हमारे यहाँ भगवान राम का जब उन्होंने रावण को मार दिया, उसी के बाद क्षत्रिय कुल में ये क्षत्रियों की देवी है, बेसिकली हमारी जो माँ है। इतनी देर तक मंदिर में फायरिंग होती रही। मंदिर में शस्त्र पूजा के नाम पर भक्त एक के बाद एक अंधाधुन फायरिंग कर रहे थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसे भनक तक नहीं लगी। पुलिस कह रही है कि उसे फायरिंग के कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं थी। पुलिस अब मामले की जांच की बात कह रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कह रही है। थाना मसूरी क्षेत्र का एक वीडियो बताया जाता है जिसमें कुछ लोगों ने हवाई फायरिंग किया है। इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि जांच करें, लोगों को चिन्हित करें, किस वजह से फायरिंग की गई है इसकी पड़ताल करके तो प्रभावी वैधानिक कार्रवाई करें, जिससे शस्त्रों के दुरुपयोग पर रोक लगे। लेकिन सवाल यह है कि घंटों मंदिर में हथियारों के प्रदर्शन के बाद फायरिंग होती रही, आसपास का माहौल गोलियों की आवाज से गूंजता रहा। लेकिन पुलिस कहती है कि उसे कुछ पता नहीं चला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।